आकाशवाणी जम्मू में डोगरी खबरां नरेश शर्मा कोला। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद होरें अज आखिया जे राष्ट्रीय शिक्षा नीति का लक्ष्य 21वीं सदी दियां जरूरतां पूरियां करने वास्ते शिक्षा प्रणाली का नवीकरण करना है। यह गल उन्हें नवी शिक्षा नीति की अमलावरी बारे एक कॉन्फ्रेंस का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राहें उद्घाटन करते हुए आखी। उन्हें आखिया जे इस नीति च सभने गे मयारी शिक्षा उपलब्ध करवाई है, एक बराबर ते ज्ञान वर्धक समाज विकसित करने का प्रावधान है। श्री कोविंद ने दसा जे ये नीति 50,000 ग्राम पंचायतें 12,500 मुकामी निकायें ते कोई 675 जिले कन्ने व्यापक सलाह मशवरे मगरा तैयार की गई है। इस मौके पर बोलते हुए शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने आख्या जे नवी शिक्षा नीति कन्ने मुल्क च अनुसंधान ते नवी काडिंग गी बढ़ावा थोगा। शिक्षा विभाग के प्रिंसीपल सचिव डॉक्टर असगर हसन समून होरें जम्मू कश्मीर च राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वास्ते कार्रवाई बल के गठन लई कल एक मीटिंग लाई। मीटिंग च कार्रवाई बल वास्ते शिक्षा विदें ते सरकारी ते प्राइवेट स्कूलें दे प्रिंसीपलें गी नामजद करने बारे चर्चा की गई। नीति बारे टकोदा करी जम्मू कश्मीर च बनी दियां चुनौतियां दे मद्देनज़र सबने मुतलका धड़े थमां सुझाव लैने का भी फैसला किया गया है। मीटिंग च होरने मसलें दे अलावा बख-बख खेत्रां च विद्यार्थियों च राष्ट्रीय भाषाएं प्रति लगाव बधाने, मातृ भाषा च सीखने की खुल ते बुनियादी साक्षरता कन्नै जुड़े दे मसलें पर भी चर्चा की गई। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा होरें प्रदेश च कारोबारी सैक्टर की पुनर्जीवित करने वास्ते अज 1,350 करोड़ रुपए के माली पैकेज की घोषणा की है ते आख्या जे ये अजे एक शुरुआत है। राजभवन श्रीनगर च अज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की संबोधित करते हुए मनोज सिन्हा होरें आख्या जे ये पैकेज आत्मनिर्भर भारत तहत दिते गए फायदे के अलावा है। उन्हें दसा जे बिजली ते पानी के बिलों च भी 50% रियायत दी जाग। सबने कर्जदारें गी मार्च 2021 तोड़ी स्टाम्प ड्यूटी माफ की जाग। उन्हें दसा जे दस्तकारी ते हथखड़ी उद्योग ने जुड़े दे लोकें आस्ते क्रेडिट कार्ड स्कीम तहत दी जाने वाली लिमिट 1,00,000 थमां बधाइए 2,00,000 रुपये कर दी गई है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर च कल नोवल कोरोना वायरस के 1,330 नवे मामले सामने आए, जिंदे कन्नै हुण प्रदेश च कोरोना वायरस के कुल मामले की गिनतरी बधिया 61,045 तक जाई पुजी है। कल सामने आए दे मामले चा 672 जम्मू खिते थमां, जिसलै के 658 कश्मीर खिते थमां है। कोरोना वायरस कारण कल प्रदेश च 15 जने की मौत भी हुई है, जिंदे चा 10 जने जम्मू खिते दे, जिसलै के 5 जने कश्मीर घाटी के बसनीक है। कुल 61,045 मामले चा 20,770 सक्रिय मामले न ते 39,305 लोग इलाज मगरा ठीक हो चुके हैं, जिसलै के 960 जने की अजें तक इस महामारी कारण मौत हो गई है। मरौने वाले चा 209 जने जम्मू खिते दे, जिसलै के 757 कश्मीर खिते दे रौने वाले है। 784 और मरीजों की कल ठीक होने परंत प्रदेश के बख-बख अस्पतालों थमां छुट्टी भी दी गई है। तुआई मुल्क भर च पिछले 24 घंटे दौरान कोरोना वायरस के 93,437 नवे मामले सामने आए हैं ते 1,247 लोगों की मौत हुई है। मुल्क च इसलै कोरोना वायरस के कुल मामले की गिनती बढ़ी है 53,08,015 तक जाई पुजी है। इंदे चा 10,13,964 सक्रिय मामले हैं, 42,08,432 लोग इलाज मगरा ठीक हो चुके हैं, जिसलै के 85,619 लोगों की अजे तक इस महामारी कारण मौत हुई है। कोविड-19 थमां ठीक होने वालों की दर बधी है 79.28% तक पुजी गई है। मुल्क च अज रिकॉर्ड गिनतरी च 95,880 मरीज ठीक होए ने। जम्मू के IGP मुकेश सिंह होरें दस्सिया जे सुरक्षा बलों की एक सांझी टीम ने राजौरी जिले थमां लश्करे तोयबा के 3 आतंकवादियों की गिरफ्तार किया है। उनके थमां असला बरूद भी बरामद किया गया है, जिसे 2 AK-56 रफलां, 2 पिस्तौल, 4 ग्रनेड ते 1,00,000 रुपये की नकदी भी शामिल है। जम्मू कश्मीर सरकार ने कोविड-19 महामारी कारण लाए गए लॉकडाउन के चलते मुल्क के बख-बख हिस्सों च फसे दे अपने 4,60,557 बसनीकें गी लखनपुर आले रस्तिया ते विशेष रेलगड्डियों के राहें अजे तक वापस आने हैं। इन्हें बसनीकें की वापसी दौरान मानक संचालन आली सबने प्रक्रियाएं का पूरा पालन यकीनी बनाया गया है। अजे तक तकरीबन 1,33,744 यात्रियों की लई है। 149 विशेष रेलगड्डियां जम्मू ते उधमपुर रेलवे स्टेशन पर आई चुकी हैं, जिसलै के 3,26,813 बसनीकें गी अजे तक
लखनपुर आलिया रस्त्या प्रदेश च वापस आने गया है। अजे तकर 1,18,048 यात्रियों के लिए 128 रेलगड्डियां जम्मू जिसलै के 15,696 यात्रियों के लिए 21 विशेष रेलगड्डियां उधमपुर रेलवे स्टेशन पर आई। खबरें इस बुलेटिन च बस इन्ना।